नमस्कार, मैं हूँ मधुरम और आप देख रहे हैं दशमलव। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, उनका नाम है सतेंद्र सिंह लोहिया। सबसे पहले तो सतेंद्र जी, आपका स्वागत है दशमलव में। थैंक यू सो मच। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत के जाने माने पैरा स्विमर हैं, यानी कि इनको 70% लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, इसके बावजूद ये स्विमिंग करते हैं। और इनके रिकॉर्ड्स के बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो आप अचंभित हो जाएंगे। तो अभी हम इनका इंटरव्यू यहाँ नहीं दिल्ली में दे रहे हैं, और ये एक स्विमिंग चैम्पियनशिप के लिए जा रहे हैं जिसके लिए इनविटेशन इनको मिला है, कैटरीना चैनल कंपटीशन, यही है ना? तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो शुरू से शुरू करते हैं, इनके नाम पे क्या क्या ख्याति है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी वाली ख्याति, 24 जुलाई 2018 इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया एज अ पार्ट ऑफ स्विमिंग रिले टीम, और जो रिकॉर्ड है इनका 12 घंटे 26 मिनट का लगातार स्विमिंग करने का, वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई इसके लिए, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और कैसा लगा था जब आपने इसको इस रिकॉर्ड को मतलब हासिल किया था और ख्याति मिली थी इतनी? कोई भी चीज़ हो या स्विमिंग हो क्या जीवन में कोई भी लाइफ में अचीवमेंट जब हासिल होते हैं तो अपने आप को जो मेहनत का जो फल मिलता है वो उस मोमेंट अपने आप में एक लगता है कि हमने कुछ मेहनत की है और जिससे दूसरों में कुछ बदलाव के लिए आए, तो ये लगता है कि हमने अपने आप में एक सत्यनिष्ठा के साथ किया है, तो अपने आप पर बिलीव, एक अपने आप पर विश्वास जागता है, ये हमने अपने आप से फील किया था। वाओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनको मध्य प्रदेश ने, चूँकि ये मध्य प्रदेश से आते हैं, इनको मध्य प्रदेश सरकार ने उनके स्टेट की हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जिसको विक्रम अवार्ड के नाम से जाना जाता है वो भी दिया है 2014 में। और साथ ही साथ ये पहले ऐसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं जिन्होंने अरेबियन सी को क्रॉस किया है, लगभग 36 किलोमीटर, यानी कि 36 किलोमीटर का स्विम था, और इनके नाम पे ये भी रिकॉर्ड है। और फाइनली जो अभी सबसे बड़ा जो आने वाला एक चैलेंज है पैरा स्विमिंग में वो है कैटलिना चैनल चैलेंज, और इसका इनको इन्विटेशन मिला है जैसा कि हमने आपको बताया। और आज रविवार है, 4 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2019 को सर फ्लाई करने वाले हैं इस चैनल कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम रियली में चाहते हैं कि आप इसको पूरे रिकॉर्ड के साथ, इस रिकॉर्ड को जो भी पिछला रिकॉर्ड होगा उसको ब्रेक करें, और ये भी ख्याति आपके नाम पर आए, तो सब इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच, आपके ऐसे वर्ड बोले इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सर शुरू से शुरू करते हैं आपके जीवन के बारे में, तो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप? बेसिकली जो मेरा बर्थ हुआ था जो एक मध्य प्रदेश के अंदर भिंड जिला है, तो चंबल बोला जाता है, वो मेरा चंबल में जो डिस्ट्रिक्ट आता है वहाँ एक गाता गांव है, उस गांव में रिवर है, क्योंकि बेसिकली मेरा जो जिला है एक डाकुओं के नाम से, राइफलों के नाम से मशहूर है। तो छोटे में मैं समझता था कि हमारे जो क्षेत्र की पहचान एक स्पोर्ट के रूप में जानी जाए, तो इसीलिए मैंने गांव में काफ़ी डिसेबिलिटी होती है तो एक इवन उसको साथ में उसके फैमिली को भी ट्रीट किया जाता है कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है, कैसे क्या, या आपने कुछ किया, गलत किया, इस वजह से हुई। लोगों की सोच गलत, मतलब व्यक्ति की जो डिसेबल पर्सन होता है, मैं कहना चाहता हूँ उसकी सोच, व्यक्ति जो नॉर्मल है वो ये सोच लेता है इसकी डिसेबिलिटी कुछ नहीं करता, बट उसके जो इंडिविजुअल पावर है जो उसके अंदर जो दिखाई नहीं देता है उसको वो पहचान नहीं पाते, जज नहीं कर पाते, तो वो डिसेबिलिटी को मैं समझता था कि मैं भी जानता कि जो बोलते हैं, मगर मेरे के अंदर मैंने कभी नहीं सोचा मैं डिसेबल हूँ। वैसे भी कहते हैं कि डिसेबिलिटी इज़ नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज़ द बैड एटीट्यूड ऑफ पर्सन, जो कि सोच होती है वो डिसेबिलिटी होती है। एब्सोल्युटली, ग्रेटेस्ट डिसेबिलिटी इन द माइंड, नॉट ए बॉडी। बिल्कुल। तो सर अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताइए कि कब आपको ये जन्म से हुआ था, या कभी किसी घटना का आप शिकार हुए थे? बेसिकली मैं, मेरे जो मदर फादर ने जैसा मेरे को बताया, जो जन्म हुआ उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मेरे लिए ड्रिप लगाया, और ड्रिप लगाया तो वोटल रिएक्शन कर गया। वोटल रिएक्शन करने के बाद फिर हमें प्रॉब्लम हो गई, चल नहीं पाते, चलते थे 7-8 तक अच्छे से,
हाई स्कूल मिडिल तक मैंने गांव में ही पढ़ा। वैसे आप समझते हो कि डिसेबल कोई हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम्स गांव में फेस करनी पड़ती हैं, बट हमने सोचा कि मैंने मेरे मदर फादर ने कभी मेरे को ये फील नहीं होने दिया कि यू आर डिसेबल पर्सन। कभी भी उन्होंने हमेशा हौसला दिया और आगे बढ़ने की सीख दी, बट हम आगे यही सोचते रहे कि लोगों से नहीं, अपने डिटर्मिनेशन अपने आप पर मैंने विश्वास किया, तब मैं यहाँ तक, यही ऊर्जा मेरे को यहाँ तक लेके तब मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो मतलब एक कह सकते हैं एक तरह से जीवन में हमेशा इस डिजेबिलिटी के साथ ही आपने गुजारी, लेकिन इसके बावजूद भी उसको कभी अपने जीवन में हावी होने नहीं दिया। और जैसा कि सर कह रहे थे कि इनका जन्म जब हुआ था तो ये जब हॉस्पिटल गए थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो इनको ड्रिप चढ़ी और उसके बाद उनकी ये स्थिति हो गई, लेकिन ये स्थिति उनके जीवन पर हावी नहीं हुई, वो आप देख ही रहे हैं। इनके जो अचीवमेंट्स हैं उसको देखकर ये जान पड़ता है। तो सर एजुकेशन कहाँ किया, मतलब वो गांव में ही किया? वैसे एजुकेशन मेरा प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में हुआ और मिडिल में मैं गांव में ही पढ़ता था, बट काफ़ी मैंने कभी नहीं सोचा, बट मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे को कुछ हटके हैं तो कुछ हटके भी करना चाहिए। और उस टाइम मैं सोचता था कि प्रॉब्लम डॉक्टर, मैं समझता हूँ जो हुआ लाइफ में वो अच्छा हुआ। व्यक्ति को अगर ये सोच लेता है कि लाइफ में किसी के साथ कुछ गलत नहीं होते, बट हम सोच लेते गलत हुआ, अगर मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम हुई है तो ये कुछ अच्छे के लिए हुई है। सेकंड बात है एजुकेशन की, तो गांव में एजुकेशन मैंने प्राइमरी किया, प्राइमरी के बाद वहाँ मिडिल भी किया, मिडिल के बाद जैसे जब हमारे जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए मैं बाहर भी आना पड़ा, खुद का खाना बनाना पड़ता था मेरे को, रिक्शे से चलना पड़ता था, काफ़ी प्रॉब्लम्स तो आई, बट हमने प्रॉब्लम्स को दरकिनार करती हुए अपने अपने खुद पर विश्वास सपने को लेकर चलते रहे तो हम यहाँ तक बढ़ते रहे। तो इसीलिए किसी ने कहा है कि जब हम चले थे अकेले घर से तो रास्ते में बहुत से लोग आते गए, मंजिल बढ़ते गए, कारवा बढ़ गया, चले थे जाने में कारवा बढ़ गया, लोग साथ आते गए और कारवा बढ़ गया। तो इंटरमीडिएट तक आपने गांव में ही पढ़ाई की और फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? फिर ग्रेजुएशन में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम फादर की बहुत क्रिटिकली हो गई, काफ़ी चार भाई थे, काफ़ी इतना नहीं, गांव में खेती बाड़ी में इतना कुछ होता नहीं, तो मेरे फादर का उस समय माइंड इतना, मतलब एक डिसीजन बहुत अच्छा लिया, रिप्लेस किया पूरा फैमिली को कि अच्छा, नहीं हम रेंट पर नहीं रहेंगे, ग्वालियर पर पूरा अपना जो अपना ज़मीन था उसको बेच दिया। सेकंड अपना हमारा घर भी बेच गया था, सब कुछ कहे तो काफ़ी लोग फैमिली में और परिवार में काफ़ी लोग प्रोटेस्ट करते, मगर मेरे फादर ने किसी का नहीं माना। पापा बस एक ही चीज़ मेरे से कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स, व्हेन विल यू यूज़ दिस चेंज द लाइफ, आप जब एजुकेशन को ही सबसे बड़ा हथियार बनाओ, पापा ने बोला, और उसके माध्यम से आप हर रास्ते पर जा सकते हो, एजुकेशन नहीं हो तो सब रास्ते बंद हैं। तो पापा ने सब छोड़ के हुए हम सबको वहाँ रेंट पर रखा, फिर हमने एजुकेशन की तरफ फोकस किया सभी ने, फिर हमको रास्ते मिलते गए, जब वो छाँव होती है तो वहाँ रहा, वो सही है, मिलते जाते रिसोर्सेज मिलते गए, तो हम यहाँ तक ये सारे अपने आप में करते रहे। और सेकेंड है गांव में जो सोच थी, लोग बोलते थे, अलग अलग सजेशन देते हैं और इवन कहते हैं कि आप तो उस मंदिर पर जाना, वहाँ खाना बना लेना, वहाँ अच्छा खाना मिलता है, कोई उस ढोलक बजाना सीख लो, कोई मजीरे बजाना सीख लो। मैंने सोचा मेरी लाइफ को क्या, डिसेबल लोगों की लाइफ के इसीलिए बनी है, कोई अलग कुछ कार्य करो, कोई टेलरिंग करो, नहीं, हम एक सोसाइटी के लिए, हमारा भी जो नॉर्मल, हम ये सोचते थे जो नॉर्मल लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में कुछ बदलाव करने के लिए, तो हमारा भी उस सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कुछ बदलाव करने के लिए, जिसके माध्यम से हम कुछ मोटिव समाज को दे सकें। और सेकेंडली जो लोग हर तरह के, बगट हमने किसी का जवाब नहीं दिया, मत जवाब तो मेरे पास था, जब मैं इस बात को प्रूव करना चाहता हूँ, ना कि अपने बातों से अपने कार्य के आधार पर। सेकेंडली उस टाइम की, आज देखो मैं कल फ्लाई कर रहा हूँ अमेरिका के लिए, और देखो मैं आज वाक्य समझ ही रहा था कि वो छोटे में बोला करते थे गांव में, इसके पैर तो अमेरिका में जाके सीधे होंगे, अरे कम से कम पैर ना सीधे होंगे तो ये देट इज़ ए नॉट माई प्रॉब्लम, देट इज़ द माई सुपर पावर। कम से कम हम घूमने तो एक जा पा रहे हैं, एक उनके लगन और शीलता से, तो उन लोगों को कभी मैं निगेटिव नहीं सोचता, देट इज द पॉजिटिव। आज हमने जो कहा उनके वजह से हम अपने लगन और सत्यनिष्ठा के आधार पर तब हम सब कुछ कर पा रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इनकी कही हुई हर एक बात
हम आपको अक्सर दोहराते रहते हैं कि शिक्षा जो है वो सबसे सबसे बड़ा हथियार है जो आपके स्तर को बदल सकता है, पहली बात। और दूसरी बात कि जिस तरह से इन्होंने बोली, हर बार जो जो भी हम सुनते रहते हैं उसको बस सुनते रहिए और मन में हमेशा एक निश्चय कर लीजिए कि मुझे ये पाना है और ये पा के मैं लोगों को जवाब दूंगा। हमेशा कह के लोगों को जवाब नहीं दिया जाता, वो पा के जब आप जवाब देंगे तो वो जवाब वो और भी ज़्यादा पावरफुल होगा, बहुत मीनिंगफुल होगा। तो सर, कैटलिना जाने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं। सर, इसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की? पैरा स्विमिंग की जो प्रिपरेशन हुई अभी जो आप जा रहे हैं, उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं? थैंक यू सो मच, ये सवाल आपने अच्छा कोट किया। मैं पहले तो एक थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा, क्योंकि जब उसके बाद जब हम आए तो ग्वालियर में कोई रिसोर्सेज नहीं थे स्विमिंग के, तो हमने क्या है, नदी में स्विमिंग तो आती थी, ऐसे हमारे ग्रामीण में टैलेंट तो है बट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। हम लोगों में प्रतिभा है, किसी लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाता, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इस वजह से वो टैलेंट है वो वस्ट हो जाता है। तो उस टाइम मैं स्विमिंग तो जानता था बट ग्वालियर आया तो टैलेंट तो था, अब टैलेंट को प्लेटफॉर्म की एक सर्च थी। तो वो सर्च ऐसे कि मेरे साथ में एक लड़का पढ़ता था, उसने कहा मैं इंग्लैंड घूम के आया, अमेरिका गया, तो उसने बताया कि बीके डवास जो प्रोफेसर है ग्वालियर में, तो उन्होंने इंडिया के अंदर पैरा स्विमिंग स्टार्ट की। व्हाट इज़ द पैरा स्विमर, कोई नहीं जानता था। फिर मैंने जिज्ञासा क्या होती है, फिर मैं डवास जी से मिला, तब उन्होंने मेरे को देखा स्विमिंग, अरे तुम तो स्विमिंग अच्छी कर लेते हो, तो स्विमिंग कर लेते, उन्होंने डायरेक्टली अपने उसमें ज्वाइन करा लिया। अच्छा। ज्वाइन कर लिया तो मैं कंटिन्यू कीप स्विमिंग करता रहा, और इवन मैं 2 साल के अंदर मैं नेशनल फर्स्ट नेशनल 2009 में कोलकाता गया और मेरा ब्रॉन्ज मेडल उसमें लगा। और आप भी, और मैं कहता हूँ अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब किसी भी एक पौधे को भी डेली पानी डालेंगे तो वो एक उसमें मोटिव मिलता है, एक बढ़ता है, उसको भी एक खुद से इंस्पिरेशन मिलता है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति को भी जब कोई अचीव करता है, जब कोई प्रोत्साहन देता है, तो उसका और हौसला बढ़ता है कि हम जीवन में लाइफ में और कुछ आगे करें। तो जब हमारी स्विमिंग में जब मेडल आया तो लोगों पर और इच्छाएं जागी, तो हमने छोड़ा नहीं स्विमिंग को, भी कीप स्विमिंग, तब हम यहाँ तक आ पाए। और इसके साथ क्या आप नौकरी भी करते हैं? हाँ यस, नौकरी में पहले मैंने, क्योंकि मेरी जो फैमिली बिलोंग, बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर फार्मर थे, 4 भाई थे, कोई रिसोर्सेस नहीं था, मेहनत मजदूरी करते थे। फिर उसके बाद जब हमने कि हमको अब स्विमिंग तो ठीक है, स्विमिंग से तो हमको ना मेडल्स की राशि मिलती ना कुछ, तो फिर हमने क्या किया, हमने कि अपना एक रोज़गार भी ज़रूरी है घर में, फिर हमने पढ़ाई कॉम्पिटिशन की तैयारी की, तो हमने जॉब कॉम्पिटिशन के माध्यम से तैयार किया, एक जॉब हमने प्राप्त कर लिया 2013 में मिनी MPPSC के द्वारा। तो उसमें क्या है, जब हम जॉब के लिए जाते थे तो हमें गवर्नमेंट जो हमारे सुपीरियर बॉस थे वो हमको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे कि सतेंद्र आप तो टाइम टू टाइम, आप समझते स्पोर्ट पर्सन में एक डेली ड्यूटी करना, वो तो हमको ये मैनेज नहीं हो, तो हमने जॉब को ही क्विट कर दिया, यानी कि मेरे को नहीं, मेरा को स्विमिंग मैन है, जॉब तो बहुत करते हैं। सेकेंडली मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में कोई पॉलिसी नहीं थी डिसेबल, जो फैसिलिटी नॉर्मल को मिलती है वो डिसेबल लोगों को, दिव्यांगों को मिलना चाहिए। जो हमने इस बात को, मुद्दा को, बात को हमारे जो दिमाग में 2012 में आई बात, तो हमने अपने स्पोर्ट ऑफिस में बोला, मध्य प्रदेश में मैंने ये बात को आगे बढ़ाया, तो मैंने सोचा ये बात अगर नॉर्मल को मिलती है तो एक डिसेबल को क्यों नहीं मिलती है, क्या वजह है, हम भी तो खेल रहे हैं, हम भी मेडल ले गए। बट ये बात हमने शुरुआत 2012 से, तो हमने जो खेल विभाग के लिए लेटर लिखा, तो खेल विभाग ने सोशल जस्टिस को लिखा कि वहाँ से मिले, सोशल जस्टिस वाला लिख रहा है वहाँ के लिए, काफ़ी RTI लगा, इवन मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन लगी, 4 साल की मैं मेहनत करके CM सर PS सब लोगों से मिलता रहा, मैंने कि आज कोई तो इस बात को आगे बढ़ाए, तो और वो मेहनत का इतना बेनिफिट मिला कि आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी मार्च में गजट पास हो गया है, और जो फैसिलिटी नॉर्मल को मिलेंगी वही फैसिलिटी एक दिव्यांग के लिए देने की तैयारी, इसके लिए बस हमको इतना करना पड़ा, हरियाणा राजस्थान सारी जगह से जो लोगों को बेनिफिट मिलते दिव्यांगों की, उनकी पॉलिसी निकाल कर हमको पिटीशन लगाया, और सरकार के जो अधिकारी और जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट खोली उनको बताया कि हम लोगों को भी हमारा अधिकार दीजिए। इस वजह से आज हमको तो बेनिफिट जब मिलेगा ही के, आज हमारे हमने सबके सहयोग से
आज वो हासिल कर लिया है कि जो आज जो आने वाली पीढ़ी युवा है वो एक बहुत बड़ा लाभ लेगी पैरा स्विमिंग में, पैरा स्पोर्ट में मध्य प्रदेश में, जो जो उनको एक भय की नज़र से देखते थे, एक उनकी हीन भावना से देखते थे, और अगर ये मेडल आगे लाएंगे तो सरकार सम्मान करेगी और इनको एक समाज में सम्मान का दर्जा जो मिलेगा। बहुत 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 अच्छी, बहुत अच्छी आपकी कोशिश रही और उसका नतीजा भी निकला। सर ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ, ऐसे हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो हमें अक्सर कमेंट करते ही लिखते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि लोग आपके आसपास जो हैं वो आपको कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिसे मन में बहुत टीस उठती है कि यू नो ये हमारी स्थिति को समझ नहीं सकता, हम किस चीज़ से गुजरते हैं और फिर भी वो हासिल करते हैं। तो कई बार ऐसा आपके साथ हुआ कि कभी भी ऐसा हुआ कि कभी किसी ने ऐसी बात बोल दी और मन में ये लग गया नहीं मैं इसको करके दिखाऊँगा, अपनी अपनी कोशिशों से जो भी मैं बनूंगा ना वो जवाब होगी इसका जो आज ये मुझसे कह रहा है, कभी ऐसा हुआ कोई ऐसा वाक्य? हाँ यार, जरूर हुआ लाइफ में। एक कोई भी जीवन हो, किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट तो होते ही हैं जो इस कोई भी जीवन सफलता अगर ऐसे ही होने लगे विदाउट स्ट्रगल अगर सफलता मिले तो मैं उसको सफलता नहीं मानूंगा। सफलता तो वो ही हो जो जीवन और संघर्ष से जो निकले जो निकल कर ही वो सफलता निकलती है। तो ऐसे तो इनसे तो हमारा डेली ऐसा पड़ता ही रहता है। सेकेंड एक इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूँ। 2017 में मैंने इंग्लिश चैनल का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैं जानता भी नहीं था कि इंग्लिश चैनल व्हाट इज़ द इंग्लिश चैनल। दैट टाइम आई कांट स्पीकिंग द सिंगल वर्ड ऑफ स्पीकिंग, हाउ कैन मैनेज टू द ईमेल एंड एक्सेट्रा। तो बट मैंने सोचा कैसे क्या करेंगे, बट वो कैसे कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। इफ़ यू वांट समथिंग इन द लाइफ ऑल द कॉन्स्परेंसी इन द हेल्पिंग विथ यू। तो ये सारी चीज़ें आपकी साथ आप भी देखो आए है ना, तो हम पहले तो जानते नहीं, तो ऐसे हर चीज़ मिलती गई। तो ऐसे में अप्रोच करने के लिए अपने मतलब मध्य प्रदेश सरकार के पास गए स्पोर्ट ऑफिस में, सर मेरे को वो चाहिए इंग्लिश चैनल के लिए स्पॉन्सरशिप। तो उन्होंने कहा कि आपको हम स्पॉन्सर नहीं दे सकते, यू आर डिसेबल। तो मैंने सोचा आप डिसेबल कैसे, कि आप चैलेंज करो तालाब में तैर के दिखाओ। तब मैंने 36 किलोमीटर की जो स्विमिंग है बॉम्बे में की, आई एम फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया जो 70% है उसको मैंने क्रॉस किया, बताया तो भी नहीं दी। फिर मैं उनके ऑफिस में नहीं गया कि उन्होंने कहा कि हम सोसाइटी के लिए पैसा नहीं देंगे, और ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे भी डला है, आप सब कोई चाहें तो इसको जाँच भी कर सकता है, देख सकता है। तो उन्होंने सोसाइटी के लिए हम पैसा नहीं देंगे। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, फिर मैं उस दिन से नहीं गया, मैं उनके ऑफिस में नहीं गया। मैंने सोचा जिस दिन हमारे हाथ में इंग्लिश चैनल का सर्टिफिकेट होगा हम उनके उसी दिन उस ऑफिस में जाएंगे। तो जब हम इंग्लिश चैनल करके आए, तब हम उनके पास गए, तब हम उनको एक पॉजिटिव नेगेटिव नहीं गए, हम उनको पॉजिटिव और थैंक यू बोलने गए कि सर आप नहीं बोलते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और वो बंदा वो सर आज हमारे सबसे बड़े फ्रेंड हैं। तो किसी भी चीज़ को जो लाइफ में होती है वो हमको पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मैं पहले भी बात फिर भी कह रहा हूँ, लाइफ में जो भी होता है वो एक अच्छा होता है, और उससे हमें निगेटिव ना सोचते हुए हमें उसके रास्ते निकालना चाहिए, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, ये हमारे अंदर सोच और थिंक होना चाहिए। कितनी बड़ी बात कह दी, मतलब कभी ये किसी के पास गए थे सहायता लेने के लिए, उस व्यक्ति ने बोला नहीं तुम तैर रहे हो क्योंकि तुम पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, तुम एक विकलांग व्यक्ति हो, तो इसलिए तुम तैरोगे इसका मतलब ये है कि तुम आत्महत्या कर रहे हो, तुम सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो। बट इन्होंने बोला नहीं मैं चैनल क्रॉस करना चाह रहा हूँ, और उस व्यक्ति ने उस समय उनको वो चीज़ नहीं अलाउ की कि नहीं हम तुमको कोई सहयोग नहीं देंगे। ये गए, उन्होंने चैनल क्रॉस किया, फिर दोबारा उस व्यक्ति के पास गए और उस व्यक्ति को थैंक यू बोला कि अगर आप नहीं बोलते उस तो शायद मैं इतनी शिद्दत नहीं करता कि मैं यहाँ पहुँच पाऊँ, और आज वो व्यक्ति उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। हम हमेशा ललित सर भी आप लोगों को कितनी बार इस तरह की चीज़ों के लिए प्रेरित करते रहते हैं, हम इतनी कितनी कहानियाँ बताते हैं कि सच है जो हम आपसे कह रहे हैं ना, देखिए जीता जागता उदाहरण, ये बिल्कुल सच है कि शिद्दत के बिना ना कुछ नहीं मिलता, और बिना मेहनत सफलता, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, बिना मेहनत कोई सफलता होती नहीं, फिर वो सफलता ही नहीं है, अगर उसमें मेहनत नहीं लगे, उसमें शिद्दत नहीं लगी तो वो सफलता ही नहीं। सर इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाते हैं, मतलब कैसे? बस ये मेरे अंदर यही पॉजिटिविटी, यही सोचता रहता हूँ कि जो लोग सोचते हैं, हमेशा दोबारा कहना चाहता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि एक लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो बस हम जब करते हैं तो हमें अपने आप में एक मेहनत का फल मिलता है, अपने आप में अच्छा लगता है, नहीं हम कुछ कर रहे हैं और हम कुछ
बदलाव। पॉजिटिविटी, जब वह अपनी सोच और थिंक अच्छी रखते हैं तब कुछ हासिल करते, एक समाज में बदलाव करने के लिए एक अपने आप में मेहनत का फल मिलता है तो पॉजिटिविटी, तो ऑल्सो सबका सपोर्ट मिलता है तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मुझे एक चीज़ ना बहुत अच्छी लगी जो मैं बताना चाहूँगी कि इन्होंने बोला कि मैं कंट्रीब्यूटर होना चाहता हूँ सोसाइटी में। अगर एक सोसाइटी है, हमारा समाज है, तो मैं कोई मुझे मैं क्यों सिर्फ, आपने जैसे बोला था उस समय कि एक व्यक्ति मतलब किसी मंदिर में खाना बनाने तक ही क्यों सीमित रहे, तो मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो ये जो फीलिंग है ना, मैं चाहती हूँ कि हमारा जो भी हमारे दर्शक उसको देख रहे हैं, काश मतलब उनमें से 10% लोग भी ऐसे हैं जो इस भावना को समझ पाएँ, उसको अपने अंदर जज्ब कर पाएँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी ना। तो क्या है आपका सफलता सूत्र, आखिरी सवाल आज के लिए आपके लिए, कि जो सफलता मिलती है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते, ये मैं आपको एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के नाते नहीं पूछ रही हूँ, क्या कुछ कुर्बान कर देना होता है? बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उस पर लगती हैं, स्टेक होल्डिंग होता है उसका, कि मैं ये करता हूँ तब मुझे जाके इस फोकस्ड अप्रोच के साथ जाके मुझे सफलता मिलती है। तो क्या है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन का सफलता सूत्र? देखो, अपने आप में एक विश्वास रखना चाहिए। वो किसी ने कहा है, जमीर जिंदा रख कमीर जिंदा रख, बन जाए सुल्तान तो फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए सब कुछ हौसले का तीर कोशिश का तीर। तो मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ, कोशिश करना चाहिए व्यक्ति को, सफलता मिले या ना मिले डजेंट मैटर, कम से कम अपने को सीखने को तो मिलता है। तो हमेशा जो जीवन में चैलेंज आते हैं उसको फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, हमेशा जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि सभी से ये ही कहना चाहता हूँ कि विदाउट जो जीवन में है वो एक ही सफलता का मंत्र है, कि अपने सही डेडिकेशन, सही दिशा के साथ कभी भी अपनी प्रॉब्लम को किसी के सामने रोना ना रो, एक हीन भावना के साथ किसी के सामने दर्शाए नहीं, अपनी ताकत अपनी ऊर्जा को पहचाने और उसके साथ मेहनत करें। इसीलिए जो अपने अंदर टैलेंट है, जो अपने अंदर ऊर्जा है, उसी को दिन दिन निखारते रहें, आज नहीं तो कल, परसों नहीं नरसों, एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला, और वो जो आँखों में चमक होती है ना, मुझे नहीं पता कि इस कैमरे के थ्रू आप उस चीज़ उस चमक को देख पा रहे हैं, पर मुझे ही इज़ अ वेरी हैंडसम मैन, एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है अंदर से भी, और आँखों में ना एक चमक है, कुछ हासिल करने के लिए एक चमक चाहिए होती है ना, वो मैं यहाँ से बैठे हुए उनकी आँखों में देख सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कभी आप जो उधर बैठे हैं, मैं आपका भी एक दिन इंटरव्यू लूँ। चलिए, अब सर से तो मिल लिए, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो सर की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इनकी शादी हाल में हुई है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं उनकी अर्धांगिनी से। तो मैं मैम को बुलाना चाहूँगी, और थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक लीजिए।